मेरा नाम सलमान है, मैं अलोट से बोल रहा हूँ, जिला रतलाम। मेरे पिताजी का नाम शकील है। हमारी दुकान को नाजायज तरीके से तोड़ दिया गया है और हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तकरीबन 40 लाख रुपए का हमें नुकसान पहुंचाया गया है। हमें 12 तारीख के दिन नोटिस आता है और 12 घंटे के बाद ही वो लोग आ जाते हैं और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं, हमारी एक नहीं सुनते हैं। और जो लोग पास में बैठे हुए हैं सरकारी जगह पे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी निजी जगह, तकरीबन 40 साल पुरानी जगह पे हम बैठे हुए हैं, बाप दादा का हमारा धंधा है और इन लोगों ने हमारी निजी जगह पे, प्राइवेट जगह पे तोड़फोड़ करी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक साजिश है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पास दुकानों के लाइसेंस वगैरह सब कुछ कम्प्लीट है। इन्होंने बहाना लिया है कि आपने अनुमति नहीं ली थी, तो अनुमति पक्के भवन की ली जाती है, पत्रे की बनाई हुई चीज़ों की नहीं ली जाती है। अगर नहीं भी ली हो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, तो उसका जुर्माना लगता है, तोड़ फोड़ नहीं की जाती है। इन्हें इसकी आड़ में हमारे को काफ़ी चोट पहुँचाई है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। दुकान पे केस लगा था 188, जब मैंने महांकाल थाने में सारी जानकारी थी, इंदौर वाले का भी नाम लिया था, इंदौर वाले को भी लिया थे, महांकाल थाने वाले नरेन वाले का भी नाम लिया था, व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा लेन देन है, पेमेंट जो दिया था वो भी दिखा दिया था, जो पेटी का वजन था वो भी दिखाया था, चार तो उसको भी लेकर आया था, मगर उसको 15 से 20 मिनट के अंदर वापस वो चले गया था। किसी को फोन लगा था उनने, किसी नेता वेता को, उससे बात करवा दी थी अधिक महांकाल थाने के अधिकारियों को, तो उसको वहीं के हमें हाथों हाथ छोड़ दिया था और हमारे को नहीं छोड़ा था। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, 188 की कार्रवाई भी की थी और अब ये मकान भी तोड़ दिया। अपने वहां से करीब कितने गट्टे पकड़ाए? अपने से मात्र 20 गट्टे पकड़ा थे, जो मैं नरेन वाले का से लेकर आया था। मैंने महांकाल थाने वालों को बता दिया सब, कब लेकर आया। नरेन वाले का एड्रेस होता है? नरेन वाला तेलीवाड़ा चौराहा, उसके ओनर का नाम है विक्रांत जैन। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर मकामी इंतजामिया के ज़रिए लोगों के मकानात और दुकानें तोड़े जाने पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के सदर कफील रजा ने इंतजामिया की इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मकामी इंतजामिया का यह तरीक़ा नहायत गैर मुनसिफाना और गैर क़ानूनी है। इंतजामिया इस तरह की कार्रवाई के ज़रिए एक ख़ास तबके में दहशत पैदा करना चाहती है और इसकी आड़ में असल मुजरिमों को बचाने का रास्ता हमवार कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंतजामिया के इस ज़ालिमाना कार्रवाई की मुखालफत करती है। मनावर ज़िलाधार में इंतजामिया के ज़रिए ऐसे गरीब शख्स का मकान ज़मींबोज़ किया गया है, जिसका ना कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड है और ना ही उसका मकान किसी गैरकानूनी ज़िम्मे में आता है। उज्जैन में इंतजामिया के ज़रिए पतंग के डोर मामले में एक छोटे पतंग कारोबारी का मकान सिर्फ इसलिए तोड़ा गया है कि इसकी आड़ में एक बड़े और भाजपा से जुड़े कारोबारी को बचाकर उसे महफूज कर दिया गया। यह कार्रवाई गैर मुनसिफाना है। पुलिस इंतजामिया छोटी मछलियों को पकड़ कर अपने फ़राइज़ की अंजामदही की खानापूरी कर रही है। कफील रजा ने इंतजामिया के ज़रिए मजकूरा मकामात पर मकान और दुकान गिराए जाने को नामनासिब करार देते हुए इस बात पर फिक्र जाहिर की कि यह कार्रवाई मुल्क में रायज अदालती निज़ाम के लिए एक चैलेंज है। मुल्क में जुर्म और मुजरमों के लिए एक अदालती निज़ाम मौजूद है, ऐसे में अगर पुलिस इंतजामिया ही मौके पर सज़ा और फैसला देने लगे तो अदालतों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। वक्त रहते हुए इंतजामिया की यह गैर मुनसिफाना और गैर क़ानूनी नहीं रोकी गई तो पार्टी इसकी मुखालफत में अदालती, सियासी और कानूनी सतह पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वह कानून के राज को यकीनी बनाए रखे और मकान और दुकान गिराए जाने की कार्रवाई बंद करने के लिए पुलिस इंतजामिया को हुक्म दे और सूबे में फैली दहशत को ख़त्म करे।